नमस्कार, इनसाइडर लाइव आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बुधवार को जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव के ठिकानों पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई थी और उनकी गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद से बिहार में सियासी हलचल जो है वो तो तेज है ही है। जितने भी नेता लोग हैं वो सभी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लालू परिवार के काफी करीब रहे हैं भोला यादव हमेशा से ही। ये भी कहा गया है कि लालू यादव के बड़े राजदार हैं और यहाँ तक कि परिवार के जैसे ही भोला यादव रहे हैं हमेशा। लालू यादव की किचन तक उनकी पहुंच रही है, यानी कि घर में आसानी से उनका आना जाना, किचन तक में पहुंचना ये आम बात थी। लेकिन अभी सवाल ये हो रहा है कि भोला यादव की गिरफ्तारी, भोला यादव के ठिकानों पर छापेमारी, इसके बावजूद लालू परिवार की तरफ से कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है। चाहे वो हम बात राबड़ी देवी की कर ले, चाहे हम बात तेजस्वी यादव की कर ले, चाहे तेज प्रताप यादव की कर ले, या फिर मीसा भारती की बात कर ले, इनमें से कोई भी भोला यादव की गिरफ्तारी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि सभी के सभी लोग जो हैं वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद से ट्विटर की दो दुश्मन जो हैं उनकी लड़ाई वापस से शुरू हो गई है। आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि किन दो दुश्मन की बात हो रही है। जी हाँ, और कह सकते हैं कि लालू परिवार के एक सदस्य जो है उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चुप्पी तोड़ी है। बात रोहिणी आचार्य की हो रही है, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। उन्होंने ट्विटर पर क्या कुछ लिखा है इस गिरफ्तारी के बाद से, आपको पहले वो बताते हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि जो करेगा फकीरा की गुलामी, देश की जांच एजेंसियां उसको सलाम करेंगी। रोहिणी आचार्य ने यह ट्वीट किया है और आप समझ सकते हैं कि ट्वीट किसके लिए किया है, कि जो करेगा फकीरा की गुलामी, देश की एजेंसियां उसकी गुलामी करेगी। देखिए, राजद की तरफ से जो प्रवक्ता लोग हैं उन लोगों ने जरूर अपनी प्रतिक्रिया रखी है, और जिस तरीके से कल हम लोगों ने इस पर बात की थी, राजद प्रवक्ता से उन्होंने साफ कहा था कि सीबीआई जो है वो डांसर बन गई है, सत्ता के ज्योरी में जो लोग बैठे हुए उनकी डांसर की तरह काम कर रही है। और रोहिणी आचार्य का उसके ठीक बाद ये ट्वीट आता है कि जो फकीरा की गुलामी करेगा, जांच एजेंसियां उसको सलाम करेंगी। और इसके बाद भी उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि देश की समस्याओं को करके नजरअंदाज, विपक्ष का गला दबा रहे हैं, बनकर हिटलर के औलाद। तो रोहिणी आचार्य ने ये तमाम ट्वीट जो है वो किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी नाराजगी जाहिर की इस गुस्से इस गिरफ्तारी के बाद से। लेकिन इस पर रिएक्ट किया है जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी। हालांकि कोई नई बात नहीं है, ये दोनों पुरानी दुश्मन हमेशा से ही रही हैं, और इस बार दीपा संतोष मांझी ने रोहिणी आचार्य को अच्छे से चेता दिया है। दीपा मांझी ने क्या कुछ पलटवार किया है वो भी आपको बताते हैं। जवाब देते हुए दीपा मांझी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा नेता है ना कि उनका राज में भारत का पैसा मार के कहीं रहोगे ना तो ओहिजा से यहाँ बुला लेवल जाएगा। वैसे तू हो लाइने में हो, सिंगापुर से भारत लियावे में टाइम नहीं लगेगा, बूझी बहिन। यही चलते थोड़ा सोच समझ के, मोदी हैं तो मुमकिन है। तो इस तरह का जो ट्वीट है वो जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा संतोष मांझी, उन्होंने किया है रोहिणी आचार्य पर पलटवार करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस लड़ाई में जो ट्विटर पर छिड़ी है इसमें कौन जीतता है और आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।